हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं MySQL के डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि आपके क्लास 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। बेसिकली इसका अभी के टाइम पे एक न्यू वर्जन आया है, इसलिए मैं नया वीडियो बना रहा हूँ कि MySQL 8.0.35 करके अपना जो नया वर्जन आया है, इसको अपन कैसे डाउनलोड करेंगे और कैसे इंस्टॉल करेंगे, जो कि अपने क्लास 12th में टॉपिक रहता है, उससे रिलेटेड सारी बातें इस वीडियो में अपन कवर करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें आपको पाइथन से रिलेटेड वीडियोज मिलेंगे, जो आपकी क्लास 12th, क्लास 10th, क्लास 11th के जितना भी कंप्यूटर से रिलेटेड सिलेबस रहता है, वो सारा मैं यहाँ पे कवर करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे अपन MySQL डाउनलोड करेंगे एंड कैसे उसको इंस्टॉल करेंगे एंड कैसे उसका पाथ सेट करेंगे, एंड उसके बाद में मैं आपको चेक भी करके बताऊंगा कि अपना MySQL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपने क्या करना है, अपना कोई भी ब्राउजर जो आप यूज़ करते हो उसको अपने को नॉर्मली ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में अपने सर्च बार में अपन टाइप करेंगे MySQL। इसके आगे पीछे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप सिंपली MySQL लिखिए। MySQL का जो फर्स्ट वेबसाइट है उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद में आपको यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन मिलेगा, डाउनलोड सेक्शन पे चले जाना है। अब जैसे ही आप नॉर्मली डाउनलोड सेक्शन पे आ गए हो, यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा नीचे आना है। एकदम से नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होगा MySQL कम्युनिटी GPL डाउनलोड्स करके। सिंपली आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे ये वाला ऑप्शन दिखा रहा होगा MySQL इंस्टॉलर फॉर विंडोज, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब अपन आ चुके हैं अपने डाउनलोडिंग पेज पे। यहाँ पे अपना जो लेटेस्ट वर्जन जिसकी अपन डाउनलोडिंग की बात कर रहे हैं, ये वाला वर्जन 8.0.35 यही अपने को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट MySQL की तरफ से अभी लॉन्च हुआ है, कुछ ही टाइम इसको हुआ है। तो इसको अपने को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। मोस्टली अपन विंडोज़ में ही रहेंगे और यहाँ पे अपने को ऑफलाइन इंस्टॉलर जो है उसको नॉर्मली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो नीचे नीचे अपने पास लिख के आएगा नो थैंक्स, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे आपने क्लिक किया आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे, जैसा आपका इंटरनेट स्पीड रहेगा डाउनलोड हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा एप्लीकेशन नहीं है, ओनली 289 MB का एप्लीकेशन है। इससे पहले वाला लगभग 465 के करीब था, तो नए वर्जन में इन लोगों ने स्पेस कम किया है, तो हो सकता है कुछ चीज़ें कम की होगी, बट उस चीज़ों से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अपन ये डाउनलोड हो जाता है, उसके बाद में इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। अब जैसे ये डाउनलोड हुआ, अपने को क्या करना है, शो इन फोल्डर जहाँ पे रहेगा वहाँ पे अपने को एक्सेस करके लेके जाएगा। यहाँ पे अपने को इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके सिंपली अपने को इसको ओपन कर देना है, जो भी अपनी फाइल रहेगी उसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद में कुछ अपने को एडिशनल मेन्यूज मिल रहे होंगे। जब आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो कुछ और चीज़ें इसके साथ डाउनलोड होती हैं, वो भी अपन इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अलग से डाउनलोड करनी पड़ेंगी। अलग किसी वेबसाइट पर विजिट करने की जरूरत नहीं है, खुद ही जो इंस्टॉलर अपने डाउनलोड किया है वो खुद ही डाउनलोड कर देगा। बस आपको वेट करते जाना है एंड स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। इंस्टॉलर है, एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, जैसे 289 MB का है। आपके सिस्टम पे डिपेंड करता है आपके सिस्टम की कैपेबिलिटी कितनी है। अगर आपका सिस्टम अच्छा है तो जल्दी कैपेबल हो पाएगा, अगर सिस्टम वीक है तो ये धीरे धीरे यहाँ पे इंस्टॉलर ओपन होने वाला है। मैं जैसे टाइम लेता है उतना टाइम अपने को इसको देना पड़ेगा, इसको इंटरप्ट किए बिना। अभी अपना प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। अभी आता है अपना फर्स्ट पेज, यहाँ से अपना मेन प्रोसेस स्टार्ट होता है कि क्लास 12th में आपको क्या क्या चाहिए होता है। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे से ऊपर वाले तीन में से कुछ भी चूज नहीं करना है, नॉर्मली आपको कस्टम पे आना है। कस्टम पे आने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको क्या चाहिए होता है, आपको एक सर्वर चाहिए होता है, इसके बाद में आपको सेल चाहिए होता है और वर्क स्पेस चाहिए होता है। तो इन तीनों को करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे MySQL सर्वर दिखा रखा है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। फिर से MySQL सर्वर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब की बार जो सर्वर है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो अपने को जो वर्जन है जो इंस्टॉल करना है वो मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके इसको राइट एरो पे लेना है, ग्रीन एरो पे आते ही यहाँ पे आगे आ गया है। इसके बाद में एप्लीकेशन में अपने को दो एप्लीकेशन चाहिए होते हैं, जो कि 12th में अपने काम में आते हैं। यहाँ पे वर्कबेंच अपन पहला उठाएंगे, तो वर्कबेंच पे डबल क्लिक करते जाएंगे। लास्ट में जो एप्लीकेशन मिलेगा उस पर क्लिक करके आगे इसको लेके जाना है। इसके बाद में सेल पे आएंगे, डबल क्लिक, अगेन डबल क्लिक। अब अपने को जो सेल वर्जन जो मिल गया है उस पर क्लिक करके राइट एरो से नेक्स्ट पेज पे ले आएंगे। सिंपली क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जितनी चीज़ें अपन ने सेलेक्ट की थी, यही तीन चीज़ें अपने को 12th क्लास में चाहिए होती है, तीनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब सिंपली एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। एग्जीक्यूट पे जैसे क्लिक करोगे अब ये चीज़ें साथ में क्या होने लगी हैं, इंस्टॉल होने लगी हैं। तो अपन इसका भी वेट कर लेते हैं। अब इतना होने के बाद में अपने को यहाँ पे स्टेटस में कंप्लीट शो कर देगा। कंप्लीट करने के बाद में अपने को क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट प्रेस करना है।
अब नेक्स्ट प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का मैसेज आ जाएगा कि कॉन्फ़िगर अपने को करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगरेशन में आपको घबराना नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन में आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें एज इट इज़ रखनी है, इसमें से कुछ नहीं छेड़ना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से आती है अपनी मेन चीज़ जो कि अपने पासवर्ड वगैरह सेट करने का प्रोसीजर होता है। इस भी स्टेप पर आपको नहीं छेड़ना, सिंपली नेक्स्ट पे प्रेस कर देना है। अब आप जैसे ही नेक्स्ट पे प्रेस करोगे तो यहाँ पे अपने यूज़र बनाने की बारी आती है कि आप यूज़र क्या बनाना चाहते हो, यूज़र का नाम क्या रखना चाहते हो और उसका पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। तो मेरा जो करंट यूज़र है मैं उसी पर काम कर रहा हूँ और यहाँ पर अपने पासवर्ड देना है। पासवर्ड में मैं लिख देता हूँ ROOT, जो कि बेसिकली अपन जब लर्निंग स्टेज पे होते हैं तो अपन रूट पासवर्ड ही रखते हैं ताकि अपने को आगे सीखने में दिक्कत नहीं हो। इसके बाद में ये चीज़ों को अपने को छेड़ना नहीं है, जैसे कि जैसी हैं वैसे के वैसे रखनी है। ऐसे रखने के बाद में सिंपली नेक्स्ट, नेक्स्ट करने के बाद में ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए अपने से पूछ रहा है कि जो परमिशन सब अपन पूरे यूज़र की देना चाहते हैं या फिर एक पर्टिकुलर यूज़र की। तो मैं पूरे यूज़र की देना चाहता हूँ, फुल एक्सेस इसको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करते हैं अपने पास एग्जीक्यूट पर जैसे क्लिक करेंगे ये सारी फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगा एंड अपने लिए अपना वर्कबेंच और सेल रेडी करके अपने को दे देगा। जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है इसके बाद में अपन देखेंगे कि इसका पाथ कैसे ऐड करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फिनिश होने के बाद में आपको सिंपली फिनिश कर देना है। फिनिश करोगे तो यहाँ पे फिर से अपने को कुछ चीज़ें पूछता है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में अब यहाँ पे अपने पास दो चीज़ें आती हैं, इनको टिक रहने देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो, नहीं रहने देना चाहते हो तो रहने दे सकते हो। अभी मैंने क्या किया, सिंपली फिनिश पे क्लिक किया तो दोनों चीज़ें ओपन हो जाएंगी। एक बार के लिए इनको ओपन करके अपन छोड़ देते हैं ताकि अपने MySQL चलने में कोई दिक्कत ना हो। यह तो अपना सेल चल गया, अभी अपना वर्कबेंच चलेगा। अभी अपना वर्कबेंच चल गया, अभी अपन चेक कर लेते हैं कि अपना MySQL अच्छे से इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो सिंपली यहाँ पे अपना यूज़र देखो, यूज़र बन के आ गया, रूट लोकल होस्ट है 3306 पे डबल क्लिक करेंगे। अब अपने से पासवर्ड मांगेगा जो कि अपने रखा था रूट ROOT। अब ये सारा प्रोसीजर आ गया, इसमें अपन जो चाहें वो टेबल वगैरह यहाँ से बना सकते हैं, जो भी डेटाबेस चाहे वो यहाँ से बना सकते हैं। सारी चीज़ें वो है सेकंड थिंग, वो अपन नहीं सीख रहे हैं अभी के लिए, सिर्फ अपन इतना सीख रहे हैं कि MySQL इंस्टॉल कैसे करना है। तो इतना होने के बाद में अपना MySQL सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है, इसको अपने को कट कर देना है। अब अपनी बारी आती है पाथ सेट करने की, क्योंकि पाथ जब तक सेट नहीं करेंगे तो अपन कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू MySQL को एक्सेस नहीं कर सकते। तो अब करते हैं पाथ सेट। तो सिंपली आपको करना है कि अपने दिस पीसी पे चले जाना है। दिस पीसी पे जाने के बाद में अपना सी ड्राइव ओपन करेंगे। सी ड्राइव ओपन करने के बाद में माई फाइल्स में आपको मिलेगा अपना एक फोल्डर जो कि अभी क्रिएट हुआ है MySQL के नाम से, इसको ओपन कर लेना है। MySQL को ओपन करेंगे तो आपको सर्वर मिलेगा, सर्वर को ओपन करना है। इसके बाद में बिन पे डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे जो ऊपर लोकेशन बार आती है इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करके इस एड्रेस को कॉपी कर लेना है। यहाँ से अपन राइट क्लिक करके इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद में जाएंगे डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप पे जाने के बाद में यहाँ पे विंडोज़ में अपन सर्च करेंगे एनवायरमेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे आ रहा है एडिट द एनवायरमेंट वेरिएबल्स, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में ये वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स पे। अब यहाँ पे नीचे आप देखेंगे सिस्टम वेरिएबल्स करके कुछ लिख के कुछ आ रहा है, इसमें आपको पाथ मिलेगा, पाथ पे आपको सिंपली डबल क्लिक करना है। जैसे आप पाथ पे डबल क्लिक करोगे यहाँ पे न्यू का ऑप्शन आएगा, न्यू पे आने के बाद में जो फाइल आपने अभी जो एड्रेस आपने कॉपी किया था उसको सिंपली यहाँ से आके पेस्ट कर देना है। पेस्ट करके आप सिंपली क्या करोगे, ओके प्रेस करोगे। अब जैसे आपने ओके प्रेस किया, फिर से ओके करने के बाद में यहाँ से अगेन ओके। अब यहाँ तक इतना प्रोसेस करने के बाद में अपना जो पाथ है वो सेट हो चुका है, तो ये वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना पाथ सेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना होता है, बेसिकली अपने को अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करके उसके अंदर अपना एक कोड होता है वो लिखना होता है, जैसे अपने को वेरीफाई हो जाएगा कि अपना MySQL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अपना विंडोज़ आर दबा के रन कमांड ओपन करेंगे, इसमें लिखेंगे CMD। अब CMD जैसे ही ओपन होता है अपन चेक कर लेते हैं अपना MySQL इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए अपन लिखेंगे MySQL वर्जन, तो इसने बता दिया MySQL वर्जन ये यहाँ पे अपन ने जो इंस्टॉल किया था 8.0.35, जिसके बारे में अपन ये वीडियो बना रहे हैं वही अपना इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद में सिंपली करना क्या है, अब अपने को MySQL के अंदर लॉगिन होना है। तो लॉगिन होने के लिए क्या करेंगे, अपना जो कोड रहता है वो ये रहता है MySQL u root -p, देन हिट एंटर। अब यहाँ से अपने से पासवर्ड पूछता है, पासवर्ड अपन ने रखा था रूट। जैसे ही एंटर हिट करेंगे अपना MySQL लॉगिन हो गया है, यहाँ पे दिखा दिया है वेलकम टू MySQL मॉनिटर। अब यहाँ से अपनी जो भी कमांड्स होती हैं वो आप रन कर सकते हो, जो भी आपकी कमांड्स हैं जो आपको याद हैं या फिर आप प्रैक्टिस करके आगे कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे अपने डेटाबेसेस आ गए, अब यहाँ पे आपको जिस पे भी काम करना है उस पे आप काम कर सकते हो इजीली। तो ये था अपना वीडियो, इसमें अपन ने कवर कर लिया कि अपना MySQL का अपन इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बता दी हैं। इसके बावजूद अगर आपका कोई क्वेरी रहता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को विजिट करके क्लास 12 से रिलेटेड जो पाइथन के कोर्स है वो भी मैंने बनाया, क्लास 12 के टॉपिक्स भी मैंने बनाए, वो भी आप यहाँ से कवर कर सकते हैं सारे। यहाँ पे आप इसके पेज पे देखते हो तो आपको क्लास 10th के रीसेंट वीडियोस वो मिल जाएंगे, और अगर प्लेलिस्ट विजिट करते हो तो क्लास 12th के और सारे वीडियोस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
तो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। मैं मिलूंगा ऐसे इंटरेस्ट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।